हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एरर ऑफ नाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं। वन, द मदर इन लॉस गैदर टुगेदर टू डिस्कस सर्टेन फैमिली इशू दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। तो हम जानते हैं क्या मदर इन लॉस का प्लूरल क्या होता है। हमारी टेंडेंसी क्या होते हैं कि हम प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस लगा देते हैं, पर इसमें क्या होगा, हम जानते हैं मदर मदर का प्लूरल मदर से, तो इसमें मदर इन लॉ का प्लूरल होता है मदर्स इन लॉ। तो इसमें आंसर क्या होगा, मदर इन लॉ के बदले मदर्स इन लॉ होगा। ओके, देन टू, हेयर हेयर्स वॉज मेस्ड ऑफ बैडली इन द विंड बाय द टाइम सी रीच द हॉल। इसका मीन्स क्या है, हेयर के हेयर्स हेयर्स हेयर एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं होता है, तो हेयर्स के बदले में क्या होगा, हेयर्स में एस नहीं लगेगा, तो इसमें हेयर होगा। हेयर हेयर वॉज मेस्ड अप बैडली इन द विंड बाय द टाइम सी रीच द हॉल। तो ये क्या होता है, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, देन थ्री, वुमेन एथलेट्स हैव परफॉर्म फार बेटर देन मैन एथलेट्स दिस स्पोर्ट्स सीजन। तो वुमेन एथलेट्स, वी नो वुमेन क्या है यहाँ पे, वुमेन यहाँ पे प्लूरल है, एथलेट्स भी प्लूरल है, मैन में मैन यहाँ पे सिंगुलर है और एथलेट्स प्लूरल है, तो इसमें क्या होगा, मैन प्लूरल होगा, एम ई एन होगा। ओके, देन तो वी नॉक आउट फोर टूथ ऑफ हिज असाइलेंट विथ ए सिंगल पंच दैट नाइट। तो इसमें क्या, टूथ का प्लूरल क्या है, हम जानते हैं टूथ का प्लूरल है टीथ, नॉट टूथ, तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा टीथ। ओके, अब जानेंगे फाइव, वी गो टू सी मैनी ब्यूटिफुल सीनरीज ड्यूरिंग दार्जिलिंग ट्रिप। तो क्या होगा, सीनरीज सीन्स एस सी ई एन ई एस सीन्स, सीन्स का क्या होगा, स्किन सीन्स एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल एस सी ई एन ई आर वाई सीनरीज होगा, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, तो इसका आंसर क्या है, सीनरी। सिक्स, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरिया हम जानते हैं क्या, बैक्टीरिया प्लूरल है, बट बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या है, बैक्टेरियम, बैक्टेरियम इसका सिंगुलर है, बैक्टेरियम का, बैक्टीरिया का, तो इस ईच है, ईच के मतलब सिंगुलर लगेगा, तो बैक्टेरियम होगा, बैक्टेरिया के बदले में बैक्टेरियम होगा, और क्या होगा, नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं बैक्टीरिया आर होगा। वन तो बैक्टेरियम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये भी हो सकता है, और अदर बैक्टेरिया आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ भी हो सकता है। देन सेवन, आई बॉट फोर डजन ऑफ मैंगोस, फोर डजन ऑफ मैंगोस, ऑफ यहाँ पे नहीं लगेगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, टेन मिलियंस डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर, तो इसमें क्या, दोनों नहीं लगेगा, तो ऑफ नहीं रहेगा, हाँ रिमूव हो जाएगा ऑफ यहाँ। एट नंबर, द स्कल्पचर हैज मेड ए ब्यूटीफुल डमी। स्कल्पचर हम जानते हैं क्या ना, स्कल्पचर मीन्स क्या होता है, मूर्तिकला व आर्ट होता है स्कल्पचर के मीन्स, एंड स्कल्पटर मीन्स क्या होता है, पीपुल पर्सन
हु मेक्स स्टैच्यू। देखो स्कल्पचर मीन्स आर्ट एंड स्कल्प्टर मीन्स पर्सन हु मेक्स स्टैच्यूज। तो इसमें क्या होगा, स्कल्पचर नहीं होगा क्योंकि स्कल्पचर एक आर्ट है, तो इसमें क्या होगा, स्कल्प्टर होगा। ओके तो क्या होगा, मूर्तिकार मूर्तिगढ़ बनाता है ऐसे। तो 9 एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। एयर, एयर मीन्स क्या है, एयर मीन्स एटमोस्फियर है। ओके हम जानते हैं एयर मीन्स क्या है, एयर एटमोस्फियर पे है, पर इसमें क्या बोलता है, एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। हम जानते हैं एयर मतलब एटमोस्फियर, एयर्स के मतलब क्या है, प्राइड या वैनिटी मतलब घमंड। तो इसमें क्या होगा, एयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट ऐसे तो नहीं होगा, एयर के मतलब एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट ऐसे तो नहीं होगा। तो एयर्स प्राइड हवा में उड़ना, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो इसका एयर के मतलब है, एयर के बदले हम एयर्स लगाएंगे, तो एयर्स इज नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। ओके देन 10 बिजनेस हाउसेस हैव टू पे कस्टम टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। तो कस्टम, इसमें नाउन है कस्टम, हम जानते हैं कस्टम मीन्स क्या होता है, कस्टम मीन्स एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन। एंड कस्टम्स, कस्टम्स मीन्स क्या होता है, कस्टम्स डिपार्टमेंट जो टैक्स लगाते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें हमको टैक्स के बारे में बोलते हैं, तो इसमें कस्टम नहीं होगा, इसमें कस्टम्स होगा। ओके देन 11 सचिन स्कोर ए 50 इन द फर्स्ट इनिंग। इनिंग जैसा सब कुछ नहीं होता है, इनिंग जैसा इनिंग कुछ नहीं होता है, तो इनिंग के बदले में हम क्या लगाएंगे, इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता है। ओके कंप्लीट। 12 नंबर आई रिक्वेस्ट हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी वर्क्स टू डू दैट डे। तो इसमें क्या होगा, वर्क्स नाउन है, हम जानते हैं वर्क क्या होता है, वर्क एक अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, तो इसमें वर्क के बदले में क्या होगा, वर्क होगा। और अनकाउंटेबल नाउन में मैनी नहीं लगता है, मैनी एक काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल है, तो इसमें क्या लगेगा, मैनी के बदले में मच लगेगा, तो मच वर्क नॉट मैनी वर्क्स, मच वर्क होगा। देन 13 राम इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस। रिचेस हम जानते हैं रिच क्या होता है, रिच एक एडजेक्टिव है, बट द रिच क्या होता है, ये नाउन होता है, ये क्या समझता है, समझाता है द ऑल द नाउन को, ऑल द रिच पीपल को समझाता है, ये द रिच ऑल नाउन होता है जो कि ऑल द रिच को बताता है। तो इसमें क्या, रिचेस का मतलब क्या जानते हैं हम, रिचेस का मतलब वेल्थ है, मतलब संपत्ति। तो इसमें क्या दिया, राम इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस, राम उसका संपत्ति को लेकर गर्वित है, तो ये इसमें ऑल करेक्ट है, नो एरर है ये। ओके रिचेस लग सकता है इसमें। 14 द प्रेजेंट डाटा सो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। डाटास, डाटा तो एक प्लूरल है, इसमें एस लगाना का कोई भी जरूरी नहीं है, डाटा का सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है, इसमें एस नहीं लगेगा, तो
इसमें डाटा के बदले में क्या होगा, डाटस के बदले में होगा डाटा। 15. द जॉर्ज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ द एक्विस्ट शुड बी रिमूव्ड। तो इसमें क्या बोला, इसमें आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं आयरन के मतलब है मेटल, और एक है आयरन्स के मतलब क्या होता है, आयरन्स के मतलब है चेन्स, जिसको हम जंजीरे बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, द अर्च ऑर्डर दैट द मेटल ऑफ द एक्विस्ट शुड बी रिमूव्ड, ऐसे तो नहीं होगा, इसमें आयरन के बदले में क्या होगा, आयरन्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।